चलें आगे, मिटा दें इसको। अब अगले सवाल में कह रहा है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं आप? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में था उसमें। तो इसी में कह रहा है, एक सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन क्या बताना है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई हो। अच्छा समझो, जैसे कितने रुपये जमा किए गए हैं, 10,000 रुपये, किस दर से जमा किए गए हैं, 8% की दर से, ठीक। कह रहा हर साल जो इसके अकाउंट में जमा होगा क्या वो इसको समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो हम पहले साल के लिए देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर पी, 1+r/100n, याद है ये वाला फार्मूला। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, 10,000, 1+r की वैल्यू 8/100n, n का मान एक ही रखेंगे क्योंकि एक साल के लिए ही हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, 4 × 8, 25 × 100, 25 × 25, 25 × 2, 27, 25, तो 25 × 100, 400 आ जाएगा, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 × 100, 10,800 रुपये। पहले कितना था, 10,000, अब कितना हो गया, 10,800 रुपये, ठीक। जब अगले साल के लिए हम लोग ब्याज निकालेंगे तो 10,800 रुपये पे निकालेंगे, ठीक है ना। तो बस यहीं पर कितना हो जाएगा, 10,800, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी क्योंकि 1+r/100, ठीक है ना। इस चीज़ को डिटेल में समझ लें फिर से एक बार। दूसरे साल के लिए जब हम ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कौन हो जाएगा, 10,800, 1+r की वैल्यू कितनी है, 8/100, ठीक, 4 × 8, 25 × 100, 25 × 25 × 2, 27, है ना। तो हो जाएगा 27/25 और गुणे में कितना, 10,800। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 × 100, है ना, 25 × 100, 8 बचा, 25 × 3 = 75 और 25 × 2 = 50, ठीक। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 का आप गुणा कर लीजिए 27 में, तो 7 × 2 = 14, हासिल 1, 7 × 3 = 21, 1 = 22, हासिल 2, 7 × 2 = 28, 2 = 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक। तो ये सब करने पर कितना आया, 4 × 4 = 2 = 6 × 6 = 8 = 11, 11 = 664, 11 = 664, बस इसी पे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक। अब इन दोनों का अंतर निकाल के आप चेक कर लीजिए, समांतर श्रेणी में नहीं है, इनका अंतर कितना आएगा, 800, इनका अंतर कितना आएगा, इनका आ जाएगा 864 आएगा लगभग, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा अंतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, ठीक। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, चलें फिर अगले सवाल। अगले सवाल में कह रहा है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, कितने पद लिखने हैं, 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी, सार्वांतर मतलब समझते हो क्या, वही जो बाद वाले पद में से पहले वाला पद। अभी इस चीज़ को हम डिटेल में और पढ़ेंगे क्योंकि फार्मूला आएगा ना इसका, तो फार्मूले के समय हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे जो हमने बताया था ना, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इस डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर, सार्वांतर। और ये ए क्या है, प्रथम पद। सार्वांतर मिलता कैसे है, T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3 या फार्मूला एक होता है Tn+1 - Tn, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मिलके क्या देंगी, D। अगर देखा जाए हिसाब से तो D का मतलब वो वाला पद जो जोड़ने पे हमें आगे वाला मिलता जाए, है ना, ठीक। तो अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, मिटा रहे हैं इसको हम। कह रहा क्वेश्चन में, a बराबर 10 है,
और डी बराबर 10। प्रथम चार पद लिखने हैं, कितने पद? चार पद। तो पहला पद ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, यही तो होगा। तो ए का मान कितना? 10। यहाँ 10 और 10 20, यहाँ 10 और प्लस में 10 दूना 20, यहाँ 10 प्लस में 10 दिया 30, तो 10 20 30 40, ठीक। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला पद कितना था? 10, उसमें d जोड़ा 10, तो कितना आ गया? 20, फिर d जोड़ा 30, फिर d जोड़ा 40, फिर d जोड़ेंगे तो 50, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले सवाल पे देखिए, कह रहा है a की वैल्यू कितनी है? -2, और d की वैल्यू कितनी है? 0। तो पहला पद क्या होगा? -2, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, मिटा रहे हैं इसको हम। अगला सवाल है, ए की वैल्यू कह रहा है 4 है, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। तो पहले क्या करें? ए लिखें, ए की जगह कितना आएगा? 4, फिर 4 में -3 जोड़ेंगे, यानी 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1, फिर 1 - 3 -2, फिर -2 - 3 -5, बस यही हो जाएगी श्रेणी, ठीक है ना। अगले सवाल पे आइए, ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो पहला पद क्या हो जाएगा? -1, फिर -1 में 1/2 जोड़ेंगे, -1 प्लस 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला पद a होता है, फिर a प्लस डी, है ना, समझ में आ रहा है ये? तो 2 * 1 = 2, एक में से दो गया माइनस, तो -1/2, ठीक। तो अगला पद हो जाएगा -1/2। अगली बार क्या होगा? -1/2 में फिर से 1/2 जोड़ेंगे, -1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? मिटा दें इसको। समझ में आ रही है समांतर श्रेणी? अभी इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आरडी शर्मा सॉल्व करेंगे, है ना। पहले एक बार एनसीईआरटी लगा लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, चाहे तो फॉर्मूले से लगा लें और चाहे तो एक एक बार जोड़ जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, ए की वैल्यू कितनी है? -1.25, है ना, तो -1.25। अब इसी में डी जोड़ना है, डी की वैल्यू कितनी है? -0.25, तो -1.25 इसी में जोड़ देंगे -0.25, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 5 - 5 = 10, 2 * 2 = 4 = 1 - 5, माइनस का 1, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 1.50। फिर आगे कितना होगा? -1.75। फिर आगे कितना होगा? -2.00। इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। अच्छा, ऐसे ना करना चाहो तो आपको फार्मूला तो हमने बता ही रखा है। फार्मूला क्या होता है? a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक। चार ही पद लिखने हैं, a की वैल्यू कितनी? -1.25। a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस में -0.25। ए प्लस 2d, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 * -0.25। ए और डी की वैल्यू ही तो रख रहे हैं हम लोग। ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3 * -0.25, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया? -1.25। माइनस प्लस माइनस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -1.50। 25 * 2 = 50, 50 + 25 = 75, तो -1.75, ठीक। 25 * 3 = 75, 75 + 25 = 100, तो 1 हो जाएगा ना, -2। तो देखो, वही चीज़ आ रही नहीं आ रही है? वही है कि अलग है? वही है। तो चाहे फार्मूला लगाइए और चाहे कंसेप्ट से करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। समझ में आ रही ना समांतर श्रेणी? आसान है, इसमें कुछ है नहीं।
है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए।